हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लांट्स लवर पर आप सबका स्वागत है। ये है ड्रेसिना, खूबसूरत है ना। वैसे ड्रेसिना की बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं, जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रैगन ट्री, और भी इसकी बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं। ड्रेसिना की सभी वैराइटी बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये वैराइटी कुछ अलग से दिखने वाली वैराइटी है। रेड कलर और पिंक कलर का जो इसका शेड आता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी लीफ में रेड और पिंक कलर का जो शेड आता है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। कुछ अलग ही ये लुक देता है आपको ये। और दूसरी ड्रेसिना की वैराइटीज़ में ये लुक आपको नहीं मिल सकता है। इसे रेड ड्रेसिना कहते हैं, इसको कॉर्डिलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लो लाइट प्लांट होता है, इसे बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, या कह सकते हैं सनलाइट की ज़रूरत नहीं रह सकती है। इसे आप समर में इंडोर में रखिए तो बहुत ही अच्छा ये ग्रो होता है, और विंटर में आप इसको बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पे 2 से 3 घंटे की इसको धूप मिले। ये देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ये आपकी इसमें अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो नुकसान हो सकता है। आप इस एक प्लांट से कई एक प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है, और इसे प्लांट्स में नीचे से आपकी प्लांट्स आ जाते हैं। हमें देखिए, यहाँ से आप कई एक पफ निकलते हैं। ये देखिए, एक फिलहाल आपको दिखा दूँ, एक ये निकल रहा है हमारा, एक ये हमारा तैयार है, एक ये, और भी मैंने अलग किए हुए हैं। जैसे ये देख लीजिए, मेरा एक तैयार किया हुआ ये रखा है आपको। ये देखिए, ये हमने ब्लैक पॉली बैग में लगाया हुआ है। और इसी तरह से आप कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी आप कट करके इसे कर सकते हैं। और ये देखिए, इसकी तब ये इस टाइम में पत्ती इसकी ब्राउन हो जाए तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा मेरा प्लांट में फंगस लग गया है, इसका भी हम लिक्विड्स में डालेंगे। तब ऐसा कुछ लगे आपको थोड़ा सा आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, तो आप एंटी फंगस पाउडर डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में ले लीजिए, उसमें आप स्प्रे कर दीजिए, या इसका लिक्विड भी आता है, आप लिक्विड भी ले सकते हैं। ये देखिए, और ये अभी हम इसको बाद में हम दूसरे प्लांट पॉट में शिफ्ट करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा अगर हम इसको भी निकालते हैं तो ये ख़राब होने का डर है। और इसी तरफ में कई एक निकला करते हैं। अब ये आपकी समर स्टार्ट हो गए हैं, इसको आप इंडोर में रखिए, ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। प्लांट को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा खूबसूरती दिख रही है। इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें अब हम स्प्रे करते हैं। ये जो आपका स्प्रे है, स्प्रे कर दीजिए इस पे कोई भी हमने ये कर दिया पूरी तरह से, इसमें कुछ भी देखिए मेरी लीफ कुछ ख़राब हो रही थी। ये देखिए, ये बीज से इसका कलर से ये ब्राउन हो रही थी बीज से। ये देखिए ये तो न्यू लीफ है, ये अच्छी हैं, लेकिन ये लीफ ख़राब होने लगी थी। आप ये देखिए, ये लीफ हमारी ख़राब हो रही थी, इस वजह से इसमें हमने पड़ा डाला है, ये स्प्रे कर दिया है। आपको इसमें वाटरिंग, देखिए मेरी ये सूखा हुआ पॉट है। दोस्तों, इसमें आपको वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी लेयर बिल्कुल सूख जाए। ये देखिए कि ये सूख गई है, इसमें हम वाटरिंग करेंगे, और ज़्यादा वाटरिंग करने से आपकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं प्लांट्स की, जिससे ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।